दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। और आज की वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वो आप सबको कब देखने को मिल सकती है, और इस चीज़ के बारे में मार्केट के अंदर बहुत सारे आर्टिकल और न्यूज़ अभी स्प्रेड हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 28 जून को, जो कि पाई नेटवर्क का सेकेंड स्पेशल डे है, इस दिन पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग हो सकती है। और जो पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं निकोलस, उन्होंने भी रिसेंटली अभी अपडेट किया है ऑफिशियली पाई नेटवर्क के बारे में, और उन्होंने 2024 में मेंशन किया है। लेट्स सी कि क्या होने वाला है, वो आप सबको अभी पता चलेगा कि पाई नेटवर्क के फाउंडर क्या बोलते हैं, मार्केट के अंदर जो न्यूज़ चल रही है उन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, और उसके साथ पेमेंट सिस्टम के बारे में आप सभी को पता चलेगा, कुछ टेक्निकल अपडेट्स हैं वो भी हम कवर करेंगे, KYC के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं वो आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम, और उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पे अभी क्या चल रहा है बार्टर सिस्टम को लेके, प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट को लेके, मीटिंग को लेके, सारा कुछ आप सभी को पता चलेगा। और कुछ चीज़ें आप सभी के लिए सरप्राइजेस हैं जो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आप सभी को देखने को मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट अपडेट है पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग के रिगार्डिंग ही है। यहाँ पे आप देखोगे गुड मॉर्निंग पाइनेस करके लिखा है, यहाँ पे साफ साफ आपको निकोलस देखने को मिलेंगे जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर है, और यहाँ पे लिखा गया है ओपन नेटवर्क इन 2024 इफ टारगेट कंडीशंस आर रीच, लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक इट हैपन, सी ऐप फॉर डिटेल्स। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है कि ओपन मैंने 2024 का तभी हो पाएगा, और ये हो भी सकता है अगर जो हमने टारगेट रखा है, मतलब जो कंडीशंस रखी है, अगर वो कंप्लीट हो जाती हैं तब आप सबको 2024 के अंदर पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग देखने को मिल जाती है। और अभी मार्केट के अंदर 28 जून को लेके बहुत सारी लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रही है, और बहुत सारे लोग इस दिन को लेके एक्साइटेड भी हो रहे हैं, बट इसके पीछे क्या रियलिटी है, क्या आपको उस दिन ऑफिशियल पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ क्लियर करना चाहूँगा कि पाई नेटवर्क की जो कंडीशंस है तीन, वो फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। पहली जो कंडीशन है उसके अंदर KYC मोस्टली सभी पाइनियर्स की कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी KYC कंप्लीट होगी वही सब पाइनियर्स पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग के अंदर ज्वाइन हो पाएंगे, उन्हीं को सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आधे लोगों की KYC कंप्लीट होगी, आधे लोगों की कंप्लीट नहीं होगी, तो इससे उन सभी पाइनियर्स को लॉस होगा जिन्होंने अच्छे खासे टाइम से माइनिंग करी है और अच्छे खासे पाई कॉइन्स को रखे हैं, क्योंकि उनकी जो KYC है कंप्लीट नहीं है, तो वो अदर जो फीचर्स हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड या अदर जो फीचर्स हैं उसके रिलेटेड, वो एक्सेप्टेबल उनका जो बेसिकली अकाउंट होगा या पाई कॉइन होंगे वो नहीं होगा, उन्हीं का होगा जिनका वेरीफाई है, और इससे पाई नेटवर्क को भी लॉस होगा और उनके पाइनर्स को भी लॉस होगा। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि KYC सबकी कंप्लीट करनी ज़रूरी है, और KYC को लेकर ये अपडेट्स कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सबकी KYC कंप्लीट हो जाए। और जो हमें दूसरी चीज़ देखने को मिलती है वो हैक्टन के रिलेटेड एप्लीकेशन और यूटिलिटी को लेके है, और यूटिलिटी को लेके अच्छा खासा काम चल रहा है। अभी 100 एप्लीकेशंस रिसेंटली इन्होंने क्रिएट करी है, जिसमें से 93 सक्सेसफुल एप्लीकेशंस मार्केट के अंदर आ चुकी है, जिसके अंदर हर एक कैटेगरी की एप्लीकेशंस रखी है, चाहे पेमेंट्स की हम बात करें, एंटरटेनमेंट की हम बात करें, या जो भी अभी रिसेंटली आप फील्ड देखते हो क्रिप्टो के बारे में, मेटावर्स, NFT, ठीक है, इन सभी चीज़ों के रिलेटेड और जो अभी चल रहा है उन सभी चीज़ों को बेसिकली कवर किया जा रहा है, और सक्सेसफुली जो पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन से अच्छे तरीके से रन कर रही है। अगर ये जो कंडीशंस है, दो कंडीशन हो गई, आखिरी जो कंडीशन बची है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट अलग अलग कंट्री की अलग अलग क्रिप्टो के बारे में सोचती है, जिस तरीके से आपको पता है कि जो सेंट्रलाइज होता है उस पर गवर्नमेंट को उतना अच्छा खासा बिलीफ रहता है, क्योंकि ये पता है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, बट डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि इसमें कंट्रोल कोई नहीं कर रहा होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी डरी होती है कि इससे हमारा लॉस ना हो जाए, हमारे जितने भी यूज़र्स हैं उनका लॉस ना हो जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है, रूल एंड रेगुलेशन है, वो पाई नेटवर्क कंप्लीट करने में लगा हुआ है, और उसके साथ और भी एक्सटर्नल चीज़ें मैटर करती है। अगर किसी कंट्री के अंदर वॉर चल रहा है, ठीक है, तो वो भी एक
नेगेटिव फैक्टर हो जाता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी की लॉन्चिंग के लेके। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि पाई नेटवर्क को 5 साल से ऊपर हो चुका है, तो अब इनको लॉन्चिंग भी करनी चाहिए। और 5 साल हो चुका है तो ये कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जिससे कि इनकी जो क्रिप्टो है ऑफिशियली आके फेल हो जाए या डाउनफॉल में आ जाए। ये चाहते हैं कि जैसे ही मार्केट के अंदर आए तो धीरे धीरे करके जो पाई नेटवर्क का वैल्यूएशन है ईजिली ग्रो करना स्टार्ट कर दे। और ग्रो करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसा कि डिमांड एंड सप्लाई। अगर जो पाई नेटवर्क चीज़ें कर रहा है वो सक्सेसफुली परफॉर्म होती हैं, ठीक है, लोगों की नीड को फुलफिल करती है, तो ऑब्वियसली सी बात है मोस्टली लोग इस चीज़ को बाय करेंगे और धीरे धीरे करके इसका वैल्यूएशन इंक्रीज होगा। जिस तरीके से बिटकॉइन का सेम केस में था, स्टार्टिंग में कोई वैल्यूएशन नहीं था, बट अभी आप देखोगे मोस्ट पॉपुलर जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन है और मोस्ट पावरफुल है। और बिटकॉइन की वजह से ही आज के टाइम में हम बाकी सब क्रिप्टो करेंसीज को जानते हैं। आई होप सो को आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। 28 जून का आप पूछोगे कि उस दिन लॉन्चिंग होगी कि नहीं होगी, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो आपको लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ पाई नेटवर्क के फाउंडर ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा गया है विच प्रोजेक्ट विल बी डिफीटेड नेक्स्ट व्हेन पाई नेटवर्क ओपन मेनेट। जैसे ही पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आप सभी को कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क बीट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, OKX हो गया, इथीरियम हो गया, BSC हो गया, डॉज हो गया, बिटकॉइन हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि जितने भी अभी आप देख पा रहे हो सोलाना करके जो है उसकी जो फैन फॉलोइंग है पाई नेटवर्क ने बीट कर लिया है। ट्विटर की फैन फॉलोइंग की हम बात करें, मतलब एक्स की फैन फॉलोइंग की हम बात करें, इथीरियम के भी आसपास ऑलमोस्ट ये पहुंच चुका है। मतलब आप देखोगे टॉप 5 टॉप 10 क्रिप्टोकरेंसीज के अंदर पाई नेटवर्क अभी है, जबकि इसकी लॉन्चिंग नहीं हुई है। जब इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो टॉप की बाकी क्रिप्टोकरेंसीज हैं या एक्सचेंजेस हैं उन सभी को ये बीट कर देगा ईजिली, क्योंकि इसके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और पाई नेटवर्क ने बेसिकली ये भी बोल रखा है कि हम अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, ठीक है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप सारी ट्रेडिंग वगैरह कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो टॉप के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे बाइनेंस हो गया या अदर जो प्लेटफॉर्म हो गया, उनके लिए भी कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। या ऐसा भी होगा कि जो टॉप के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको पाई नेटवर्क की लिस्टिंग देखने को मिलेगी और पाई नेटवर्क का खुद का भी प्लेटफॉर्म होगा। जो भी आप सभी के लिए रिलेवेंट होगा आप उस चीज़ को चूज़ कर पाओगे। एंड गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे पाई नेटवर्क के कुछ ऑफिशियल मर्चेंट्स हैं जो हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पाओगे कैप है। और यहाँ पे अभी जो नोटिफिकेशन, जैसे आपकी नॉर्मल बैंक से अगर कोई मैसेज आता है या कोई आप पेमेंट करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आता है, तो सेम तरीके से यहाँ पे चीज़ें अपडेट हो चुकी है। पाई ब्राउज़र की तरफ से पेमेंट रिसीव का यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि पाई ब्रिजेस की तरफ से आ चुका है। और यहाँ पे कुछ चीज़ों अभी अपडेट किया गया है। फ्लैश सेल की यहाँ पे बात की जा रही है, इसके अंदर 50% आपको ऑफ देखने को मिलता है अगर आप जो VIP 3rd लेवल है उस चीज़ को अपग्रेड करते हो तो। और यहाँ पे हम टाइमिंग की बात करें तो अप्रैल 15 टाइमिंग है, जो कि आज से स्टार्ट है और ये 20 अप्रैल तक चलने वाला है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाओगे। इसको चाहो तो आप जाके अपग्रेड वगैरह कर सकते हो। और इस चीज़ का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो भी आ चुका है, कमिंग सून करके डायरेक्टली डिपॉजिट एंड VND इनटू पाई ब्रिज ऐप, ठीक है, डायरेक्टली आप डिपॉजिट कर पाओगे जो कि वियतनाम के अंदर जो करेंसी होती है उससे, ठीक है। और ये पाई ब्रिजेस के एप्लीकेशन के ऊपर है, परचेज भी आप कर पाओगे, ठीक है, अदर कॉइन्स के बिहाफ पे, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है, आप जाके और डिटेल में इस चीज़ को पढ़ सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे लिखा गया ऑफिशियली लॉन्च ऑफ पाई बी स्टेक पुल फॉर अर्निंग पाई बी टोकन्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा पाई बी स्टेक पुल को, जिससे कि आप अर्न कर पाओगे पाई बी टोकन का जो इंटरेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको स्टेकिंग वगैरह दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्टेक देखने को मिलता है। कम थोड़े ड्यूरेशन के लिए करोगे तो आपको 9% देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा कम करोगे तो 8%, उससे थोड़ा कम करोगे तो 7%, उससे कम करोगे 6%, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 12% के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया है स्टेक को 9% के हिसाब से। टाइम पीरियड की हम बात करें 360 डेज़ लिखा है, मतलब एक साल की यहाँ पे बात की जा रही है। मैक्स और मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 5 PB रखा गया है, ठीक है, मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, मतलब पाई ब्रिजेस को यूज़ कर रहे हैं, वो जाके इस चीज़ को समझ सकते हैं और ये आप अप्लाई भी कर सकते हो। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं पाई नेटवर्क की KYC को लेकर अभी क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आप सभी को देखने को मिल जाता है। जैसे आप KYC के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल कर रहे हो, जैसे कि इन्होंने एड्रेस वगैरह फिल कर रखा है, और उसके साथ सिटी यहाँ पे फिल करने के लिए स्टेट है, उसके साथ जो पोस्ट कोड होता है वो आपको यहाँ पे
फिल करना है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे की गई है, कोई ये इंडियन है जिनका ये अकाउंट है, जैसा कि आप देख पाओगे ये हरियाणा से हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये किया है और यहाँ पे लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग विथ अपलोडिंग योर डेटा, प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो ये डेटा अपलोड करना चाहते हैं एड्रेसेस को लेके, वो कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर रहा है और इस टाइप का इंटरफेस बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है पाइको टीम ने, द पाइनियर्स कम्युनिटी हैज़ रिसेंटली बीन स्ट्राइक बाय रिपोर्ट ऑफ अनयूजुअल एरर्स विद द केवाईसी सिस्टम। बहुत सारे लोगों को बेसिकली ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इस चीज़ को हाईलाइट करके बताया जा रहा है। ओवर द पास्ट फ्यू डेज पाइनियर्स हैव कंटिन्यूसली वॉइस कंसर्न अबाउट एनकाउंटरिंग एरर्स ड्यूरिंग द केवाईसी प्रोसेस विद द रूट कॉज रिमेन्स अनक्लियर। जो रूट कॉज है मेनली जो आपके डॉक्यूमेंट पे जो डिटेल्स लिखी होती है वही आप अपलोड कर रहे हो, बट यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि आपका ये हो नहीं पा रहा, मिसमैच बता रहा है या कोई ना कोई दिक्कत बता रहा है। आपने फ्लाइट मोड वगैरह भी ऑन ऑफ कर रखा है या आप अपने पाई ब्राउज़र को अपडेट कर रखा है, आपने सब कुछ कर रखा है, फिर भी ये दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जितने भी लोगों को ये दिक्कत देखने को मिल रही है, तो इन्होंने साफ साफ बोला है जिनका अनसक्सेसफुल अपलोड्स वगैरह हो रहा है आपके डेटा, और आपने मल्टीपल टाइम इस चीज़ को बेसिकली अटेम्प्ट किया है और आपको फिर भी ये जो इशू है बैक टू बैक देखने को मिल रहा है, और ऐसा एक के साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के संग हो रहा है। तो बहुत सारे लोग एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस चीज़ को लेके, और यहाँ पे इन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा है और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक और अपडेट आपको देखने को मिलेगा जिससे कि इन्होंने ये कर देंगे, जो आप अपलोड कर रहे हो वो आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आपको इस चीज़ की टेंशन वगैरह नहीं लेने कि हमारा हो नहीं रहा, हमारा हो नहीं रहा। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है, द पाइको टीम में बी कंडक्टिंग सिस्टम मेंटेनेंस और प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू अपग्रेड, नए अपग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और 2024 के अंदर मोस्टली सभी लोगों की जो केवाईसी है वो कंप्लीट वगैरह हो जाएगी। एंड गाइस, अब हम कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स कवर कर लेते हैं कि अभी बाइंग एंड सेलिंग बार्टर सिस्टम कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को लेकर क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख पाओगे, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पाइनेट फक के हमें बार्टर सिस्टम देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसा कि आप इस वाली वीडियो फुटेज के अंदर देख पाओगे। उसके साथ दूसरी मैं फुटेज आपको दिखा रहा हूँ जो कि तंजानिया की तरफ से है, और यहाँ पे जो भी हम फल फ्रूट्स वगैरह लेते हैं उसकी भी यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हमें देखने को मिलती है, और प्रॉपर तरीके से पाइनेट फक के जो टी शर्ट वगैरह हैं प्रॉपर लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक अलग ही लेवल पे। एंड गाइस, इस वाली फुटेज के अंदर भी आप देख पाओगे किस तरीके से पाइनेटफक का जो फेस्टिवल है उसको मनाया जा रहा है, जीसीवी को सपोर्ट करते हुए दिखाया जा रहा है, और अलग अलग कंट्री के अंदर जितने भी पाइनियर्स हैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुके हैं इन सभी चीज़ों को लेकर। नाइजीरिया के अंदर भी आप देखोगे किस तरीके से बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है। अभी आजकल की हम बात करें तो मोस्टली जगह पर जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं वो हो रही हैं, उसके साथ यहाँ पर हमें जो बार्टर सिस्टम है वो अच्छे लेवल पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, और जो फूड कॉर्नर्स वगैरह हैं वहाँ पर भी हमें पाई नेटवर्क की ही पेमेंट्स वगैरह देखने को मिलती है, जैसा कि आप इस वाली वीडियो फुटेज के अंदर देख पा रहे हो। जो भी चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ उसके साथ मैं आपको यहाँ पे प्रूफ वगैरह भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पाओगे कोरिया के अंदर, मलेशिया के अंदर, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमें इसके प्रमोशंस देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पाई नेटवर्क की जो फैन फॉलोइंग है डेली बेसिस पे बढ़ती जाती है। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।